हाय गाइस, कहते हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम सलवार की ऐसी कटिंग बताएंगे, इसको देखने के बाद में आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल तरीका समझाएंगे सलवार कटिंग करने के लिए कि इससे पहले हमने क्या करते हैं, सलवार के जो पौचे होते हैं पहले उनको नाप लेते हैं। जैसे कि हमारे इस सलवार के पौचे हैं 7 इंच, तो यहाँ पर हमने पहले 7 इंच की मार्किंग से इसको नाप लिया। अब 7 इंच का देखिए कपड़ा हमने इस तरीके से 7 इंच को नापा है। नापने के बाद में कपड़े को पहले से फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद में अब इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। आप लोग भी इस तरीके से पहले कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद में अब साइड में जो कान वगैरह होता है इसको पहले निकालने के लिए एक मार्किंग कर दीजिए। इसकी मार्किंग हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल को लेंगे, लेने के बाद में तो पहले इसकी मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में 6 इंच यहाँ पर से निकालेंगे। जो लंबाई इनकी है वो है 35.5 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच निकाल देंगे पहले हम बेल्ट के लिए अलग से। इसके बाद में यहाँ पर 35.5 इंच मार्किंग करेंगे और प्लस 1 इंच बढ़ा देंगे इस टाइम, यानी कि 36.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, यानी कि 36.5 इंच। अब यहाँ पर देखिए आसन की मार्किंग इसी के हिसाब से ही करेंगे। आसन का है 16 इंच, तो यहाँ पर 16 इंच पर आसन की मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में इस मार्क को पहले सीधा करेंगे। सलवार का घेर है 22 इंच, तो यहाँ पर 22 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। पौचे इनके 7 इंच हैं, तो देखिए 7 इंच का हमने ये पौचा मोड़ लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर अपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे एक्स्ट्रा में। अब जो हमारे जो पॉइंट हैं इन पॉइंट को मिला देंगे। अब इसको हटा देंगे। हटाने के बाद में अब जो हमारा इस कपड़ा है जो हमारा ऊपर का बचा हुआ है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस टाइप से। जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा था उसको हम इसके ऊपर सही से बिछा देंगे इस टाइप से। अब जहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग 1/2 इंच थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जिससे हमारी सिलाई में जो है अंदर की तरफ जाएगा। इतना हम लोग 1/2 इंच पहले से ही छोड़ देते हैं। बेल्ट को कट करेंगे इसके लिए कपड़े को तरीके से बिछाया, बिछाने के बाद में यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है। देखिए फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं जहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। लंबाई की मार्किंग लगाएंगे। लंबाई इनकी है बेल्ट की 23 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके 24 इंच मार्किंग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट की लंबाई होती है। अब इसके बाद में यहाँ पर छोड़ेंगे 2 इंच की एक मार्किंग लगा देंगे, ये हमारी हो जाएगी बेल्ट नेफे के लिए बेल्ट की। और उसके बाद में यहाँ पर 6 इंच छोड़ देंगे हम बेल्ट के लिए, और इसमें 1/2 इंच छोड़ देंगे नीचे की तरफ सिलाई के लिए। अब इन मार्क को सीधा कर देंगे।